पेश आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। शनिवार को एडीजी राजेश अभरवाल ने देवबंद कोतवाली पहुंचकर नवनिर्मित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और महिला डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण कर पत्रवालियों के रखरखाव और कार्यवाही की जानकारी ली। एडीजी राजेश अभरवाल ने बताया कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में सहारनपुर जोन में 7 महिला पुलिस चौकियों का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद क्षेत्र से दूर क्षेत्रों में इन चौकियों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सहारनपुर जनपद में देवबंद, गंगो और कावेरी देवी को शामिल किया गया है। उनके मुताबिक इन चौकियों के निर्माण होने से महिला अपराधों में कमी आएगी और उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही रिपोर्टिंग महिला चौकी के लिए एसआई शिवानी चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया। पूरे आपका बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा यूपी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके पास। ये सर आज देवबंद में आप आए हैं, किस तरह का दौरा है, क्या चीज़ बनाई गई है नई? देखिए यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपर पुलिस अधीक्षकों की संख्या के अनुपात में एक महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का शासन का उद्देश्य है बनाने का, तो यहाँ देवबंद थाने में वह बनाई गई है। मेन उद्देश्य इसका यह है कि जो महिला संबंधी मामले हैं, जिनमें हमारे पास एक महिला थाना जनपद के मुख्यालय पर रहता है, काफ़ी जनपद ऐसे हैं जहाँ पर दूरस्थ स्थान पर रहता है तो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं महिलाएँ, या उनके मामले लंबित रहते हैं, तो उनके त्वरित निस्तारण के लिए और ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए इस तरह के पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का प्रावधान जनपदों में किया गया है। तो इसका शुभारंभ जो है 8 तारीख को किया जाएगा। जी, नारी शक्ति मिशन पिछले कई महीने चल रहा है जी, आप क्या आंकड़े हैं सर, कुछ सुधार हुआ मेरा अपराध? नहीं, बिल्कुल हुआ, आप चाहें तो आपको आंकड़े दिए जा सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा हुआ, जैसे आपने देखा ये महिला हेल्प डेस्क है, अभी मैंने इनके देखा, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर रखा है, प्लस जितनी भी महिलाएँ आ रही हैं उनकी जो समस्याओं को सुना जा रहा है और तुरंत निवारण का प्रयास भी किया जा रहा है, और जैसे मामले जिनमें मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई की जा रही है, तो उसके परिणाम भी अच्छे हैं। और मिशन शक्ति के दौरान जिन जो हमारी न्यायालयों में केस चल रहे हैं उनकी पैरवी के भी परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। क्या प्रायोरिटी आगे रहेगी पुलिस विभाग की महिलाओं को, और क्या अधिक जो है वो सुरक्षा और सम्मान दिया जाना? नहीं, देखिए ऐसा है कि निरंतर जो है पुलिस विभाग में सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर पब्लिक को सेंसिटाइज करना, अपनी फोर्स को सेंसिटाइज करना महिलाओं संबंधी मुद्दे में, तो उसके ऊपर और भी कार्य किए जाएंगे। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि अभी आप देखिए यहाँ पर नियुक्ति हुई है महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी की, इससे भी हमारे कार्य में सुधार भी आएगा और थोड़ी सी संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। तो अभी जो हमारा एक संवेदनशीलता और जागरूकता का जो था वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं, और मुझे लगता है आगे भी ठीक चलेगा। थैंक यू।